जयपुर शहर स्मार्ट शहरों में शुमार तो हो गया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था कितना स्मार्ट है यह आप देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के अग्निशमन विभाग में क्षेत्र में, और यहाँ की जो व्यवस्था है फायर ब्रिगेड की, यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, 9 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और 9 गाड़ियों की जो हालत है वो हम आपको भी दिखाएंगे। अगर शहर में किसी भी प्रकार की घटना हो, आगजनी हो जाए, तो उस पर काबू पाने के लिए जो यहाँ पर विभाग के द्वारा गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई है उसकी जो व्यवस्था है, और वो व्यवस्था इतनी लचर है कि ड्राइविंग सीट तक गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ गाड़ी पूर्ण रूपेण से बिल्कुल ही ख़राब पड़ी हुई है, जो कि चलने लायक नहीं है। कुछ गाड़ी जो कि कारगर है, लेकिन उस पर जो है ड्राइविंग सीट और ख़ासकर उपचालक के लिए जो वहाँ पर सीट होती है, वो सारी व्यवस्थाएँ वो हम आपको दिखाते हैं कि अगर खुदा ना खास शहर में आग लग जाए और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन को चाहूँगा दिखाने के लिए कि ये जो है हमारा स्मार्ट शहर भागलपुर का पोल खोलती हुई ये तस्वीर है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कितना स्मार्ट हुआ है, कितनी लचर व्यवस्था बताई दिखाई पड़ रही है आपको। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ये जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और ड्राइविंग सीट को भी हम चाहेंगे दिखाने के लिए, ड्राइविंग सीट की वहाँ पर ड्राइवर को बैठने के लिए सीट नहीं है, और साथ ही इधर जो दमकल कर्मियों के साथ जो कर्मी रहते हैं उनकी, ये देखिए ये हमारी स्मार्ट शहर की पोल खोलती हुई ये तस्वीर। यहाँ के खासकर विभाग को सोचना चाहिए कि ये पूर्ण रूपेण से कूड़ा हो गया है सभी गाड़ी के अंदर। और दूसरी बात ये भी गाड़ी इधर ही कुछ गाड़ियाँ इनको भी दिखाया जाए। ये हमारा जो है शहर के जो है अग्निशमन विभाग की गाड़ियाँ, अग्निशमन की ये गाड़ी हैं, दमकल भी बोलते हैं इनको, दमकल गाड़ी। और ये देखिए ये किस तरह से पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरी जो व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था है। जितनी भी गाड़ियां हैं, गाड़ियां चलने के हालात में नहीं है, और ना ही इनके चलाने के लिए जो चालक कहाँ पर बैठेंगे ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी दिखाया जाए, ये भी गाड़ी पूरी तरह से इसमें जो है ये पोल खोलती हुई ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि अगर शहर में अस्पताल में किस तरह से अगर आग लग जाए तो फिर ये आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये पूरी ये गाड़ी जो है, सबसे बड़ी बात सामने जो आ रही है कि इन गाड़ियों के ऊपर खर्च किया गया है, और खर्च जो इन गाड़ियों पर किया गया है सिर्फ ऊपर से इस गाड़ियों को पेंट किया गया है। अगर आप देखेंगे दूर से इन गाड़ियों को तो ये पूरी तरह से नई गाड़ी नज़र आएगी आपको, लेकिन जब अंदर की व्यवस्थाएं आप देखिएगा तो वो बिल्कुल ही लचर है। ये गाड़ी ऊपर से देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, ये सजी सजाई हुई गाड़ी जितनी खूबसूरत लग रही है, अंदर से इन गाड़ियों के जो हालात हैं बहुत ही लचर व्यवस्था कही जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है कि यहाँ पर रहने के लिए जो बैरक में सिपाही जहाँ पर रुकते हैं उसकी भी व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दमकल कर्मियों के साथ जो सिपाही को रहने के लिए जो व्यवस्था की गई ये आप दिखा सकते हैं ऊपर पे। कई बैरकों में छत नहीं है, और दूसरी बड़ी बात कि रहने में यहाँ पर सिपाहियों को कितनी कॉम्प्रोमाइज करनी होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। थाई की गई है, ये दिखाइए ये व्यवस्थाएं हैं, ये जो है ये यहाँ की सुविधाएं हैं, और खासकर सिपाहियों को रहने के लिए जो जगह दी गई है ये देख सकते हैं कितना छोटा जगह है, और इसमें ये लोग कैसे रहते हैं, ये यहाँ के दमकल कर्मी हैं। और ये ऊपर हम चाहेंगे छत दिखाया जाए, ये छत है जहाँ पर ये दमकल कर्मी रहते हैं, ये छत है जो कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं, ये इतना छोटा कमरा और उसमें से ये जो है दमकल कर्मियों का जीवन यापन होता है, गुजारा होता है। और एक और बैरक है हमारे बगल में, इस बैरक में भी कुछ सिपाही अभी, ये तो बैरक बंद पड़ा है, बैरक नंबर 6, और इसमें से कुछ सिपाही रहते हैं बैरक के, दमकल कर्मी रहते हैं, उनकी भी व्यवस्थाएँ देखिए किन हालात में। पहले ये दिखाया जाए, ये गेट है और ये इनका कमरा है जहाँ पर कि दमकल कर्मी जो है वो रहते हैं, ये कमरा और गेट भी दिखाया जाए। और ये यहाँ पर देखिए ये चीज़ें जो बहुत खराब स्थिति कहा जाए, लचर स्थिति है ये,
और दिखाया जाए ऊपर छत को भी दिखाया जाए किस तरह से ये लोग यहाँ के दमकल कर्मी रहते हैं, तो ये विभाग जो है अग्निशमन विभाग आखिरकार पैसे खर्च कर रही है तो किन सिर्फ गाड़ियों को डेंट पेंट कराने के लिए ऊपर से ही चकमक गाड़ी को पेंट किया जा रहा है, अंदर की स्थिति है। खासकर विभाग के जो सिपाही हैं, जो कर्मी हैं, दमकल कर्मी हैं, जो कि कहीं पर आग लगने के बाद ये तुरंत पहुंचते हैं उस जगह पर, फौरन पहुंचना होता है और अपने अपना जान जोखिम में डालकर, ये लोग अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो ये लोग अपने जान जोखिम में डालकर जब मौके पर पहुंचते हैं तो बहुत ही जोखिम भरा ये काम होता है दमकल कर्मियों का। और वो कैसे जीवन यापन करते हैं वो ये चीज़ आप देखे दिखाएं हम आपको। और इधर भी है कुछ, ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि ये बैरक वन है और यहाँ पर, और ये दमकल कर्मियों की रहने की जगह है। सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा ये जगह इनको अलॉट किया गया है और ये देख सकते हैं कि इस जगह पर किस तरह से दमकल कर्मी कितने दिक्कत करके, परेशानियों का सामना करके ये यहाँ पर रहते हैं। और सोइए सोइए, आप सोइए सोइए, आराम कीजिए आप, कि कितना ये कठिन और जोखिम भरा काम होता है अपनी जान की बाजी लगाकर ये सिपाही जो हैं, दमकल कर्मी जो हैं, ये मौके पर पहुंचते हैं और अपने जान को जोखिम में डालकर ये मौके पर पहुंचते हैं। और इनको विभाग के द्वारा द्वारा जो रहने के लिए जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं किस तरह से, कितना कम जगह है और किस तरह से ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और इनका सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सिपाहियों का इस तरह से विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं ये शोषण, हम कह सकते हैं कि जो है शोषण किया जा रहा है यहाँ पर। खासकर भागलपुर स्मार्ट शहर में अग्निशमन विभाग के जो कर्मी हैं, दमकल कर्मी हैं, उनका जो है ये साफ तौर पर अगर यहाँ की वस्तु स्थिति को देखा जाए तो उनका ये शोषण किया जा रहा है। क्योंकि एक दमकल कर्मियों का जो कार्य होता है, काम होता है, वो कितना जोखिम भरा काम होता है वो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कहीं पर भी शहर में आगजनी की घटना की इनको खबर मिलती है और ये मौके पर जान की बाजी लगाकर ये मौके पर पहुंचते हैं, अपने जान को जोखिम में डालकर ये काम करते हैं। और उनको जो है विभाग क्या सुविधा दी है वो मैंने आपको दिखाया और हर एक तस्वीर ये बयां कर रही है ये भागलपुर स्मार्ट शहर अग्निशमन विभाग के जगह से, कि ये कितना कठिन और कितना ये बहुत ही लचर व्यवस्था वाली ये तस्वीर जो है साफ तौर पे आपको मैंने दिखाया। और ये हर एक तस्वीर ये बयां करती है एक सिपाही का जो है दमकल कर्मियों का दर्द। शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है, खासकर यहाँ के जो सांसद हैं अजय मंडल, उनको इन सब मामलों को लेकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ के विभाग को भी इस पर ध्यान देना होगा।